ये मंदिर दरगाह भी क्या अजीब जगह है, जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है। बारात में दूल्हे पीछे और दुनिया आगे चलती है, जबकि मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है। यानी दुनिया खुशी में आगे और गम में पीछे हो जाती है। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर सालगिरह और बर्थडे मनाते हैं। अच्छे रास्ते पर कम लोग चलते हैं, लेकिन बुरे रास्ते पर अक्सरियत चलती है। इसलिए शराब बेचने वाला किसी के घर तक नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर और गली कूचे भटकना पड़ता है। दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि दूध में पानी तो नहीं डाला, जबकि शराब में खुद हाथों से पानी मिला मिला कर पीते हैं। कामयाब लोगों की सिर्फ चमक ही लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। चाहे कोई राह में कितनी ही रोड़े अटकाए या रास्ता भटकाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, काबिल इंसान फिर भी देर सवेर अपनी मंजिल पा ही लेता है। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। पाजेब हजारों रुपए में आती है, पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदिया एक रुपए में आती है और पेशानी पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती है, किस्मत मायने रखती है। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी तुम पर गुस्सा होना छोड़ दे, समझ लेना तुम उस इंसान को खो चुके हो। इखलाक रखना है तो उस चिराग की तरह रखो, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना किसी गरीब के झोपड़े में। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। नीम की तरह कड़वा इल्म देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। तारीख गवाह है कि आज तक नीम में कभी कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। दिल को छोड़ के चेहरे की दीवानी हुई ये दुनिया, दिल को छोड़ के चेहरे की दीवानी हुई ये दुनिया। अब समझ में आया कि सेल्फी वाले फोन महंगे क्यों आते हैं।